अज की किया जथेदार साहब ने साढ़े दर्शन ददार जेड़े पाकिस्तान के गुरद्वारे रह गए है उन्होंने दर्शन ददार होंदे रहन ते की अपन सिर्फ परमिट चाहिए जाने अपन तरना होंदा है अपन भजना होंदा है आपा रावी का दरिया पार करके नहीं जा सकते अपने गुरुद्वारे नू जा सकते हैं जे मैनू अगे लाना है मैनू ला लियो हरेक सिख नू पता होना चाहिए किवें तरीदा ते जाके दर्शन करके वापस आ जाओ साडी धरती है कोई ये गुनाह नहीं है कोई ये दोष नहीं है अकाल तख्त साहब के जथेदार ने अज अरदास करते कि दर्शन ददार साढ़े पाकिस्तान के गुरुद्वारों के होंदे रहन फिर अकाल तख्त वड्डा है कि इतों की सरकार वड्डी है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज सिख कौम का बहुत महान शहीदी दिवस है जदों संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने ते बाकी दे लीडरां ने 6 जून नो इंडिया की फौज बरतानिया की फौज ते सोवियत रूस की फौज 72 घंटे अंदर दरबार साहब दे विच वड़न नहीं दित्ती है। 72 घंटे छोटे नहीं हुंदे। बरतानिया रूस ते इंडिया फौज दे कोले परमाणु हथियार सीगे। दरबार साहब दे विच इंडियनज ने टैंक भी लियांदे मोटर्स भी लियांदे आर्टिलरी भी लियांदी स्पेशल फोर्सेस भी लियांदे पर जेड़ा मशहूर अंग्रेज़ां दे टाइम दा लड़ाई है सारागढ़ी जिहड़ी सिख पलटन ने अफगाना दे खिलाफ लड़ी सी उहदे विच भी आखरी सिख जवान शहीद हो गया सी पर उस तो किते वड्डी लड़ाई ये दुनिया दी कि जिहड़े फौजी नहीं सी तोड़े मेरे वर्गण दे सीगे उन्होंने पहले जंग वॉर सैकेंड वर्ल्ड वॉर दे असले दे नाल 3 परमाणु हथियार फौजा जिहड़ियां लांच सीगियां उन्हां नूं लड़ाई दित्ती। किसी भी प्रोफेसर ने फौज दे अफसर ने सारागढ़ी बारे तो लिखिया पर अजे तक ये नहीं लिखिया कि केड़ियां केड़ियां फौजा ने इत्थे उदण हमले किए साडे बच्चे शहीद किए बीबियां शहीद कीतियां सरोवर का रंग लहू दे नाल लाल हो गया सी और उस वेले जैल सिंह फौजां दा कमांडर इन चीफ सी उसका हौसला नहीं पिया कि मैं फौज नूं कहां कि तुसी दरबार साहब दे उत्ते हमला नहीं कर सकते हैगे सारे दिल छड़ गए सीगे। लौंगोवाल बादल तौड़ा तलवंडी बिनवंत सिंह सारे इन्होंने इंदिरा गांधी नूं कहा जाके कि वो साध है तुसी सिर्फ फौज बाहर ला दो तो वो हथ खड़े करके आजूगा पर संतां ने एहो जे लोहे दे दाणे चकाए इन्हां नूं कि इतिहास याद रखूगा और सिखां दा मोर्चा सदियां तक बच्चे पढ़ पढ़ के इस नूं रोशनी दे विच लियाउणगे कि साडे बजुर्गां ने
3 परमाणु हथियार लांच फौजा दे नाल 303 राइफलां दा नाल मुकाबला कीता। इस तो पहला लड़ाई दे विच जनरल शबेक सिंह ते जनरल जगजीत सिंह अरोड़े ने पाकिस्तान दी फौज दे 90,000 फौज कैद कर ली सीगी। अज फौज दे विच हिंदुत्व ने कोई सिख जरनैल नहीं लाया, सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई सिख जज नहीं है, हाई कोर्टां दे विच कोई सिख चीफ जस्टिस नहीं है, मोदी साहब दी कैबिनेट दे विच कोई वड्डा वजीर सिख नहीं है। सिखां नूं हुकूमत तों दूर रख्या गया, इहदे सिट्टे माड़े निकलणगे। जे सिखां नूं इस तरां तुसीं इहनां नाल वर्तारा करदे रहोगे, सिख हैं जिन्हां ने अबदाली नूं 1762 दे विच पूरी शिकस्त दे के वापस अफगानिस्तान भेजा सी, उस तो बाद अफगानिस्तान दे राही कोई हमलावर नहीं आया, पर अज सिखां नूं ये मोदी सरकार कांग्रेस सरकार टके दी नहीं समझदी। पर हुण राहुल गांधी गया सी अमेरिका, उहदे कट्ठ दे विच सिखां ने दब के भाग लिया ते खालिस्तान दे नारे मारे, मैनू बाहर नहीं जान दिंदे ना कश्मीर जान दिंदे है, बेशक तुसीं मैनू अपना MP बनाया, मैनू तुसीं डिप्लोमैटिक पासपोर्ट दवाया, पर राहुल गांधी ते होर जा सकदे है, पर तुहाडा नुमाइंदा सिमरनजीत सिंह मान हिंदुस्तान दी हद दे अंदर तड़िया होया, ये हिंदुस्तान दा अज ये प्रिजनर है। सो मैं आस करदा कि SCPC दे इलेक्शन आ रहे है, तुहाडा हरेक दा हक है कि अपने वोट बनाओ, आपां SCPC दे विच आईए, फिर कानून दे राही अपने अकाल तख्त दे जथेदार तैनात किए जाण, ते 328 सरूप जिहड़े गमन करते SCPC ने, ते बरगाड़ी दे विच जिहड़ा जुल्म होया अजे तक ना सुखबीर सिंह नूं, समेत सैणी नूं, सरसे दे साध नूं फड़िया गया। सो सिखां दे जिहड़े धार्मिक नुकसान होए है 32-32 सालां तों सिख बंदी बन के जेलां विच डके होए है, अमृतपाल सिंह ते उहदे साथियां नूं असाम लैके चले गए है, इन्नी दूर जिवें अंग्रेज़ आज़ादी घलाटियां नूं काले पानी निकोबार आइलैंड लै के जांदे सीगे। साडे नाल जो कुछ हो रहा इहदे नतीजे हुकूमत नूं भरने पैणगे, और मैं तुहानूं सारिआं नूं हथ जोड़ के बेनती करदा कि आपां ने सरकारां दे नाल मिलवर्तन नहीं करना। जे तुहानूं फौज जां पुलिस जां सरकार दा हाकम पुछे कि जलंधर नूं राह कहड़ा, तुसीं बटाले दा राह दिखा देना, सिद्धा राह दिखाउणा ही नहीं। इहदे नाल ना मिलण वरतों जदों हो गया फिर इहनां नूं पता लगूगा कि साडे नाल की हो रहा है। वाघे का बॉर्डर
व्यापार के लिए खुलना चाहिए, जिद नाल साडे लाले बाणीए साडे जिमीदार अपनियां जिनसां नूं बाहर दे मुल्कां च भेजण, साडी ट्रांसपोर्ट वधे, साडे 46 लख नौजवान ट्रांसपोर्ट दे विच नौकरी करन, ते असीं फैलीए और सारी दुनिया दे विच साडा व्यापार जावे। कल मैं अमृतसर जेल दे विच गए, उत्थे पता लेके आए किवें बंदी रखे जांदे है, और अजे तक साडे हस्पतालां दे विच डाक्टर नहीं है, डाक्टर साडे कस्बियां दे विच है नहीं गे। ये सरकार ने वादे किए है कि हॉस्पिटल चलणगे, पर डाक्टरां नर्सां तो बगैर हॉस्पिटल बिल्कुल साडे नहीं चल रहे। सो सत्कारयोग साध संगत जी, अपने मन दे विच्चों डर ला लेना चाहिए। रोज़ 5 मील तुरना, हौली हौली भजना चाहिए, तरना चाहिए। अज की किया जथेदार साहब ने, साडे दर्शन ददार जिहड़े पाकिस्तान दे गुरद्वारे रह गए है, उन्हां दे दर्शन ददार हुंदे रहन। ते की आपां नूं सिर्फ परमिट चाहिए जाण नूं? आपां नूं तरना हुंदा है, आपां नूं भजना हुंदा है। आपां रावी दा दरिया पार करके नहीं जा सकते अपने गुरद्वारिआं नूं? जा सकते हैं। जे मैनूं अगे लाउणा है, मैनूं ला लिओ। हरेक सिख नूं पता होना चाहिए किवें तरीदा, ते जाके दर्शन करके वापस आ जाओ। साडी धरती है, कोई इहदे 'च गुनाह नहीं है, कोई इहदे 'च दोष नहीं है। जदों अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने अज अरदास करती कि दर्शन ददार साडे पाकिस्तान दे गुरद्वारिआं दे हुंदे रहन, फिर अकाल तख्त वड्डा है कि इत्थों दी सरकार वड्डी है। सो मैं आस करदा कि हुण आपां तकड़े हो के आज़ादी की लहर नूं लै के अपने आप नूं आज़ाद करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।